नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस बार दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनमें 300 बंगाली मुस्लिम महिलाओं का समावेश था। उन महिलाओं को दिल्ली के शाहीन बाग ले जाया गया था, वहां उनकी खातिरदारी की गई। उसके बाद उनको ले जाया गया जाफराबाद में। जाफराबाद में जब दंगा भड़क गया, जो बुरखापोश महिलाएं पथराव कर रही थी वो बंगाली मुस्लिम महिलाएं थी। इससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा ही दावा किया था कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें 300 महिलाएं आई थी, वो उत्तर प्रदेश की थी। तो ये 300 का आंकड़ा तो कभी बंगाली मुस्लिम महिलाएं और कभी दिल्ली तो कभी देवबंद से आए मुसलमान क्या कहलाता है, दिल्ली पुलिस का ये आंकड़ा। 300 के हेर फेर का इसी को समझने के लिए कोशिश करेंगे हम आज। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे एडवोकेट M.R. शमशाद साहब। उनका क्या कहना है इस बात पर, आइए जानते हैं। चार्जशीट आई है, अगर हमने चार्जशीट नहीं देखी है क्योंकि वो अभी नहीं है पब्लिक डोमेन में, अभी खबर आई है सिर्फ जी, तो उसमें उसको औरतों से जोड़ा गया और औरतों को बंगाली बना दिया गया। अब मसला ये है कि एक कानून है जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है जी, और उसको वुमेन लीड कर रही है जी। तो वुमेन तो कहीं की भी हो सकती है हिंदुस्तान की, बगैर इस बात में जाए हुए कि वो बंगाली थी, बिहारी थी, उत्तर प्रदेश की थी या फिर तमिलियन थी। भाई पूरे हिंदुस्तान के लोग की औरतें इससे इसको प्रोटेस्ट कर रही थी जी। और अगर उस इलाके में अगर बंगाल की औरतें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है इसको सिर्फ इस तरह से हाईलाइट करना ताकि इसको पूरे प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना, उसको डिमीन करना। ये शुरू से एक एफर्ट रहा है दिल्ली पुलिस का, और अलग अलग स्टेजेस पे वो स्टैंड चेंज होते रहे हैं, अलग अलग चार्जशीट्स में अलग अलग बातें आई हैं। अभी तक जितनी चार्जशीट्स आई हैं, कई सारी चार्जशीट्स आ गई हैं, तो उन चार्जशीट्स में ये बात क्यों नहीं आई जी? क्या ये 15 दिन पहले आई थी ये लेडी उनके हिसाब से जी? ये हुआ तो फरवरी में ना, तो फरवरी में जब कुछ हुआ तो जब वो चार्जशीट 3 महीने पहले आई तो क्या उसमें ये फैक्ट नहीं डाला जा सकता था? एक तो ये 300 का आंकड़ा और बंगाली मुस्लिम महिलाएं और उनके पहले देवबंद से आने वाले मुसलमान। ताजा रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि 300 बंगाली मुस्लिम महिलाएं, उनमें से काफी महिलाओं को चयनित कर लिया है, उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। यह पूरा जो मामला था CAA खिलाफ वो महिलाओं ने शुरू किया था। पूरे हिंदुस्तान ने अब जगह जगह पर, क्योंकि लेडीज ने प्रोटेस्ट किया है और उस प्रोटेस्ट को किसी तरह से डेनिम करना है, तो प्रोटेस्ट को एक तरह से दिखाना है कि प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट नहीं था, प्रायोजित कार्यक्रम था। यह हमेशा से ही दिल्ली पुलिस की कोशिश रही है। इस दंगे से सिलसिले में जो भी मसला आया है, कभी कोई देवबंद से आ जाता है तो कभी नई चार्जशीट के अनुसार उसको औरतों से जोड़ा गया और महिलाओं को बंगाली बना दिया गया। एक कानून है जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है, तो महिलाएं तो हिंदुस्तान के किसी कोने से भी हो सकती है, बगैर इस बात में जाए कि वो बंगाली थी, बिहारी थी, उत्तर प्रदेश की थी या फिर कहीं और की। पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इसको प्रोटेस्ट कर रही थी। डिनिम करना एक शुरू से एफर्ट रहा है दिल्ली पुलिस का, और अलग अलग स्टेजेस पर स्टैंड चेंज होते रहते हैं। अलग अलग चार्जशीट में अलग अलग बातें सामने आई हैं, क्योंकि मीडिया की स्थिति हम सब जानते हैं कि वो कैसे प्लान करते हैं।